नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। उसमें क्वेश्चन नंबर 19 पर अभी हम हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया और ये इस क्वेश्चन में किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक बॉल जो है उसको क्या कर रहे हैं बेटा कि ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। कहां से थ्रो कर रहे हैं? एक टावर से थ्रो कर रहे हैं। तो सपोज मान लो मैंने यहां पर एक ऐसा है टावर ड्रॉ किया बेटा, है ना। ठीक, ये टावर हो गया हमारा। आगे बोला गया कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट एच मीटर वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्वाइस द डाउनवर्ड वेलोसिटी एट अ पॉइंट एच मीटर। देखो इसको समझने की कोशिश करें ठीक से। क्या है बेटा कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा बनाता हूँ डायग्राम। देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो ऐसे जाके और ऐसे मूव करेगा बेटा। ठीक है, सपोज मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये जो टॉप पॉइंट है ये हो गया सी। ठीक, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये पॉइंट हो गया डी और ये हो गया ई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझे। यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी के बारे में बोला गया है वो वेलोसिटी क्या है बेटा कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो यू से कर रहा है ना, थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ठीक, क्वेश्चन को देखें। वेलोसिटी एट पॉइंट एच मीटर वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैंने ये जो पॉइंट लिया ये एच मीटर बिलो ले लिया। ठीक है, प्रोजेक्शन से एच मीटर बिलो लिया मैंने। प्रोजेक्शन इज ट्वाइस द डाउनवर्ड वेलोसिटी एट अ पॉइंट एच मीटर वर्टिकली। कितना बेटा? ट्वाइस द डाउनवर्ड वेलोसिटी एट अ पॉइंट एच मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब यहां पर प्रोजेक्शन जो पॉइंट है उससे एच मीटर अबव जो पॉइंट है, डी पॉइंट लिया मैंने उसको, ठीक, उसकी वेलोसिटी का जो ई पॉइंट पर वेलोसिटी है वो डबल है। मतलब बोला गया कि वी ई इज ट्वाइस ऑफ वीडी। क्या बोला गया? वीई इज ट्वाइस ऑफ वीडी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमसे क्या बोला गया फाइंड करने को कि मैक्सिमम हाइट रिचेज बाय द बॉल अबव द टॉप ऑफ द टावर। मतलब हमसे ये पूछा गया बेटा कि ये जो बी टू सी जो हाइट है ये बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो एच की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा बेटा मैं, आइए देखते समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। अगर मैं h की बात करूँ तो h इक्वल्स टू क्या निकालना पड़ेगा बेटा, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है b पॉइंट पर मेरा, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम पॉइंट b टू c। ठीक है, देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज किया तो v तो हो गया बेटा 0, c पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यू एज इट इज सेम यू स्क्वायर माइनस टू। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और जी किधर है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जी और एस की जगह हो जाएगा बेटा एच, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, अब यहां से देखें कि मेरे को यू नहीं पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास जो है वो यू की वैल्यू नहीं है, जी और टू ये कांस्टेंट है। तो अगर हम u निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा, हम h इजीली फाइंड करेंगे। तो कहां से निकालें बेटा? वो यहां से निकाला है v e equals to 2 v d से, है ना। तो कैसे निकलेगा? देखो यहां पे अपने को पता है कि h अपना हाइट है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u स्क्वायर है ना। तो v e कैसे निकालेंगे बेटा अपन, कि अगेन जैसे अपन ने यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है वैसे ही यहां लगाएंगे। तो v e स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा अपना यहाँ पे कि u स्क्वायर। अब देखो v e की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे है, u स्क्वायर प्लस 2g और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा h। ठीक है, एज इट इज सेम मैं v d की बात करता हूँ तो v d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा u स्क्वायर, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट ऊपर है आपका, ठीक है, और g की वैल्यू डाउनवर्ड है तो u स्क्वायर माइनस 2gh। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इसमें, तो u स्क्वायर
प्लस 2GH का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें VE पुट करना बेटा, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, VE स्क्वायर की, इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ U स्क्वायर माइनस 2GH। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, देखो U स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल्स टू 4 U स्क्वायर माइनस 8GH, है ना। ये जो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये 8GH है और इधर 2GH है, तो कितना हो जाएगा बेटा 10। तो 10GH इक्वल्स टू, इधर ये यू स्क्वायर है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा बेटा 3U2। तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई भैया हमारे पास यहाँ पे, कि यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया बेटा मेरे पास 10GH/3। ठीक, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, जो कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है हम इसमें पुट कर दें, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर एज इट इज हम पुट करना, तो 10GH/3 इंटू 2G। ठीक, जी और जी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 को हम कट कर देंगे तो 5 आएगा, तो एच इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5H/3। कितना आया एच की वैल्यू अपने पास 5H/3। ठीक, तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर ट्राई करें, और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर